अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआर किचन एंड गार्डनिंग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है, यस करिए, क्या बनने जा रहा है, ये क्या है? ये बहुत ही टेस्टी डिश जिसका नाम है मेथी मटर मलाई। ये बहुत ही टेस्टी होती है, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी लाजवाब होती है। बहुत ही टेस्टी डिश है। आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी मटर मलाई। यहाँ मैंने मटर ले ली है, कि मैंने फ्रेश मटर ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। और ये एक कटोरी मैंने ली है मटर। और यहाँ मैंने मेथी ले ली है, 100 ग्राम मेथी है, 100 से 150 ग्राम होगी ये मेथी। मैंने इसको भी धो के अच्छे से वॉश कर लिया है और स्टेन पे रख दिया है ताकि इसका पानी निकल जाए। ये चलते, पहले हम मटर रेडी कर लेते हैं। मटर मैंने ये बॉल रख दिया था, बॉल में पानी है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसी में मैंने मटर डाल दी है अपनी। इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूंगी ताकि हमारी मटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए, हमारी मटर में बॉयल्ड आ गया है और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारी मटर जो है वो गल चुकी है, ये देखिए गल चुकी है। अब मैं इसको उस पानी में से निकाल के एक बोल में, जिसमें मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, उस पानी में मैं, कोल्ड वाटर है इसमें, इसमें मैं डाल दूंगी। और ये देखिए, इसका जो ठंडे पानी में मैं डालूंगी, इससे इसका कलर एकदम बेस्ट कलर आएगा। आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज का प्याज ले लिया है एक, ये देखिए इसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने एक अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है, 5 से 6 कलियां लहसुन की ली है और 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और मैंने 2 हरी मिर्च ली है। और ये हमारी मटर है जो रेडी हो चुकी है बॉइल्ड होके। यहाँ मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और 5 बादाम लिए हैं। और ये मेथी जो मैंने ली थी, इसको मैंने कट कर लिया है। आइए चलते हैं, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं बटर डालूंगी थोड़ा सा। और इसमें मैं बटर थोड़ा सा पिघल गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी अपना, जो अनियन मैंने चॉप करके रखा था। इसको ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी, भूनूंगी मैं। ये देखिए, ये हमारा लाइट ब्राउन होने लगा है, इसका कलर बदलने लगा है। ये देखिए, अब मैं इसमें जो हमारा लहसुन है, लहसुन की कलियां मैंने ली है, वो ऐड कर दूंगी मैं इसमें। इसको भी मैं थोड़ा सा चलाऊंगी, मिक्स करूंगी इसमें। और अदरक जो मैंने अदरक लिया था, वो भी मैं इसमें डालूंगी अब। ये देखिए, वो भी मैंने डाल दिया है। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखा है। हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है, इसको मैं चलाऊंगी थोड़ा सा और ब्राउन करूंगी, क्योंकि मसाले अपना स्मेल छोड़ देंगे। देखिए, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर को भी मैं पकाऊंगी। टमाटर तो हमारा गलना है, इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। अभी मैंने अपना काजू बादाम भी इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ। लो फ्लेम पे मैं इसको चला 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 के मिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपकने ना लगे। ये देखिए, मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी अपना। मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, और यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, उसको मैंने मिक्स कर दिया है। मैं इसको हमारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं, तो मैं इसको चलाती रहूंगी हल्के हाथ से मैं, और बहुत लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैं 1/4 चम्मच जो है छोटा जो 1/4 चम्मच मैं गरम मसाला ऐड करूंगी इसी में। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से मसालों को भून लूंगी ताकि ये अपना जो स्मेल है, ये अच्छे से, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जो मैंने इसमें मसाला डाला था वो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है,
जो मैंने इसमें चाट मसाला डाला था उसकी स्मेल जो है बहुत अच्छी सी आ रही है भून के। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है इसमें, हमारे मेथी मटर मलाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है हमारा मेथी मटर मलाई का, क्योंकि जो इसमें स्मेल आ रही है ये बहुत ही टेस्ट अच्छी है। ये देखिए इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। मैंने ये देखिए हमारा टमाटर जो है वो गल चुका है लगभग, लेकिन अभी मैं इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर और भूनूंगी। ये देखिए हमारा ये मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने जार में निकाल लिया है, इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये हमारा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। यहाँ मैंने सेम पैन लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और उसके बाद मैं मेथी उसको रोस्ट करूंगी इसी में। लो हाथ से लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। ताकि बिल्कुल कलर ना छोड़ दे, रंग ना बदल ले। इसमें मैं थोड़ा सा मैंने चीनी मिलाई है, शुगर थोड़ी सी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, मीठा मीठा सा, बहुत हल्का सा, बहुत 1/4 चम्मच छीट मैंने डाली है। ये देखिए हमारी मेथी रोस्ट हो चुकी है, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। मैंने सेम पैन लिया है, अब मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज करूंगी, क्योंकि मैं मोस्टली मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ कुकिंग में, तो मैं वही डालूंगी। आप जो यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा हो गया है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाला है, और मैंने ये काली वाली जो हमारी बड़ी इलायची होती है मैंने उसके सीड्स लिए हैं, 8 से 10 मैंने उसके सीड्स इसमें मिक्स किए हैं, ये वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मेरा जो हमारा जो मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अभी तो मैं हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा डाला है मैंने हाई फ्लेम पे। अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। या जितना अच्छा भूनेगा हमारा उतना ही अच्छा हमारे मेथी मटर मलाई का टेस्ट बनेगा। इसमें जो जार में मैंने मसाले जो रह गए थे उसमें मैंने पानी डाल के वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्योंकि उसे वेस्ट नहीं करूंगी मैं। ये देखिए ये हमारा भुनने लगा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है, लाजवाब। ये देखिए अब मैं इसमें अपना जो हमारा मटर है वो ऐड कर दूंगी। इसमें बॉइल्ड मटर है हमारा, लेकिन थोड़ा सा है वो, उसको मैं इसमें ऐड करूंगी और जो है इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं 2 से 3 मिनट इसको पकने दूंगी लो फ्लेम पे। ये देखिए इसमें बॉइल्ड आने लगा है हल्का हल्का सा। इसी में अब मैं जो हमारा मेथी रोस्ट किया हुआ है उसे भी मैं ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने इसमें मेथी को ऐड कर दिया है, मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है, हमारा गैस ऑन है और लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी दोनों चीजें कुक्ड हो चुकी हैं। ये देखिए मैंने इसकी लिड लगा दी है, मैंने इसकी 2-3 मिनट के लिए लिड लगाई थी और लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। ये देखिए इसमें इसका ऑयल जो है वो सरफेस पे आने लगा है, मैं इसको थोड़ी देर खुला पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको पका लिया। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी मलाई, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए मैं इसमें मलाई ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मलाई को ऐड करने के बाद। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो भी मैं लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी।
जब हमको इसको, जब भी हम मसालों में बादाम और काजू का यूज करते हैं तो वो नीचे से चिपकने लगते हैं, इसलिए उनको हमें चलाते चलाते ही पकाना होता है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मैं इसकी लिड लगा दूंगी। लिड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी लो फ्लेम। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया है कि हमारा ऑयल सरफेस पे आने लगा है। इस स्टेज पे मैं इसमें कसूरी मेथी मिलाऊंगी और मैं थोड़ा सा इसमें बटर ऐड करूंगी क्योंकि बटर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको बहुत स्लोली मैं इसको मिक्स करूंगी। अब मुझे इसको ज्यादा तेज मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हमारा मेथी मटर मलाई रेडी हो चुका है और हमारा ऑयल सरफेस पे आ गया है। मैं इसकी 2 मिनट के लिए लिड लगा दूंगी, गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ, फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए हमारा मेथी मटर मलाई रेडी हो चुका है। गाइस देखिए ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ये उतना ही टेस्टी है। ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज के साथ आप इसको खाइए। ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आया प्लीज गाइस आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।